एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में काफी बड़ा एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक टुनू नाम की चिड़िया रहती थी। टुनू चिड़िया अपने घर में खुशी से रहती थी। उसके साथ उसके बच्चे भी रहते थे। वो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, उनका पूरा ध्यान रखती थी। उस टुनू चिड़िया का पति काफी साल पहले उसे छोड़कर दूसरे गांव चला गया था, इसीलिए टुनू चिड़िया अपने तीन बच्चों के साथ ही रहती थी। एक दिन की बात है, चिड़िया के बच्चे टीवी देख रहे थे। तभी टीवी में एक पिज्जा का आर्ट दिखाई दिया। इस आर्ट को देखकर बच्चे भी पिज्जा की मांग करने लगे। चिड़िया बहुत गरीब थी, उसके पास पिज्जा लाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी चिड़िया कौवा पिज्जे वाले के पास उड़कर जाती है और उसे एक पिज्जा मांगती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। फिर भी वो एक पिज्जा उधार लेके आती है। बच्चे उस पिज्जा को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर पिज्जा खाने लगते हैं। बच्चे कुछ ज्यादा ही पिज्जा खा लेते हैं और उनमें से एक बच्चे का पेट खराब हो जाता है और उसे बार बार शौच को जाना पड़ता है। चिड़िया उसके लिए एक हगीस लेके आती है, लेकिन तभी बच्चे की तबीयत ठीक हो जाती है। एक दिन सुबह सुबह टुनू चिड़िया काम को जाने के लिए तैयार होती है और अपने बच्चे की हगीस पहन लेती है। वो चिड़िया उड़ते उड़ते काम को जा रही होती, तभी उसके सामने कौवा पिज्जा वाला आता है। वो चिड़िया को पैसे के लिए तंग करता है और उस पर एक कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, लेकिन टुनू चिड़िया को कुछ भी नहीं होता है। चिड़िया एक पेड़ को उखाड़ कर उस कौवे पर फेंक देती है। कौवा उड़कर खुद की जान बचा लेता है और वहां से भाग जाता है। चिड़िया सोचती रहती है कि उसमें इतनी ताकत आई कहां से। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास एक परी आती है और उसे बताती है कि उसमें इतनी ताकत इस हगीस के पहनने के कारण आई है। यह एक जादुई हगीस है, इसे पहनने के बाद कोई भी बलवान हो जाता है। टुनू चिड़िया उस परी से कहती है कि उसे इस जादुई हगीस की कोई जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ उसके बच्चे के लिए खाना चाहिए क्योंकि वो बहुत गरीब है। वो परी टुनू चिड़िया की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और उसे करोड़ों रुपए की धन दौलत दे देती है और वहाँ से चली जाती है। चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घर चली आती है और उस पैसों से अपने बच्चों के लिए बहुत सारा खाना पीना और पहनने के लिए कपड़े ले आती है। इस तरह टुनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी से जीवन बिताती है।